सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी टाइम को और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाइए। हम आपके लिए बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम साइकोलॉजी के गेने का जो सिद्धांत है उसको करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले मैं एरिक्सन की और हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी कर चुके हैं। सो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसलिए हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। इसकी गैनिकी ने जो है जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है श्रृंखला अधिगम या पदानुक्रम सिद्धांत। क्या है? पदानुक्रम सिद्धांत। यह इसको श्रृंखला अधिगम भी कहते हैं। तो गैनी ने जो है श्रृंखला अधिगम में जो है आठ इसके जो है प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? आठ। आठ तरह से जो है व्यक्ति सीखता है। सो फर्स्ट इन्होंने बताया है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, संकेत अधिगम का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जो है वो किसी सिग्नल के थ्रू जो है सीखता है। जैसे इसमें पेवलाव की जो थ्योरी थी, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत था, उसमें जो कुत्ता था वो एक बैल जो घंटी बजती थी उसके जो है आवाज़ से को संकेत मानता था कि घंटी बज गई, ये उसका संकेत था भोजन आने का। सो ये जो है इसकी पेवलाव की जो थ्योरी है उसके ऊपर है। पेवलाव की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये संकेत अधिगम है। जैसे उसको संकेत मिल गया कि हाँ घंटी बज गई, अब उसको भोजन मिलेगा। सो ये कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी सिग्नल के थ्रू जो है वो सीखता है। अगला इन्होंने स्टेप बताया है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है लर्निंग। ये उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है इन्होंने जो दिया है, ये इन्होंने जो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग है। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्ली पिंजरे में बंद थी और बाहर उसके मांस का टुकड़ा था, वो तो स्टिमुलस था, वो एक प्रकार का उद्दीपक था, उसको देखकर जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो करती थी। तो इसी प्रकार जो है कोई भी व्यक्ति हो, उद्दीपक अगर उसको उद्दीपक दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग वो अनुक्रिया करता है। ये सेकंड प्रकार है कि व्यक्ति कैसे कैसे सीखता है उसका, ठीक है। इससे अगला प्रकार दिया है उन्होंने, ये एक सीरीज में चलेंगे, एक श्रृंखला में चलेंगे, इसलिए इसको श्रृंखला अधिगम कहते हैं। इन्होंने जो थर्ड दिया है वो दिया है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला श्रृंखला अधि श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम का जो है तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी चीज़ को एक सीक्वेंस में सीखता है, मतलब उसको एक श्रृंखला के थ्रू सीखता है। जैसे पहले वो पेन पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है, उसके बाद उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो जो हो क्रिएट होती है। तो एक श्रृंखला में सीखता है, जैसे विकास होता है ना, वो एक श्रृंखला में होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को एक श्रृंखला में सीखता है। इसका जो है थर्ड सीखने का सिद्धांत बताया था इन्होंने। फोर्थ बताया